हेलो, फोर्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में एक्सरसाइज वन का क्वेश्चन नंबर 9 करा रहे हैं। इसमें है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग ऑल द डिजिट्स। ये डिजिट्स दी हैं आपको, डिजिट्स हैं 5, 7, 8 एंड 0, और इनसे हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। स्मॉलेस्ट नंबर, तो देखिए स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट 0 है, 0 शुरू में नहीं लिखते इसलिए 5 लिखेंगे, तो 5, इसके बाद 0, फिर इससे बड़ी डिजिट 7, और लास्ट में सबसे बड़ी जो डिजिट है वो आ जाएगी। तो इस तरह से हम स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं, पहले स्मॉलर डिजिट्स और लास्ट में ग्रेटर डिजिट्स। 10 में देखिए, इसमें भी डिजिट्स के बिन हैं, इसमें डिजिट्स हैं आपकी 1, 3, 0, 9, इसमें आपको ग्रेटेस्ट नंबर 5 लिखना है, ग्रेटेस्ट नंबर। अभी ग्रेटेस्ट नंबर कैसे लिखते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए सबसे बड़ी डिजिट को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, फिर सब ये उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। तो इस तरह से ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं, पहले बड़ी डिजिट फिर छोटी करते चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, में है प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, प्लेस वैल्यू लिखनी है, प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, जितनी डिजिट इसमें है नंबर में सबकी हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है, और नंबर है 4, 3, 6, 9। तो देखिए इधर से हम लिखते हैं 9 की प्लेस वैल्यू 9 रहेगी, 6 की प्लेस वैल्यू लिखने के लिए पहले ये 6 लिख देंगे, और 6 के बाद में 1 डिजिट है इसलिए 10 यहाँ लगा देंगे, 3 करने के लिए 3 के बाद में 2 डिजिट्स हैं इसलिए 20 पुट कर देंगे, 4 के लिए 4, इसके बाद 30 हैं तो 30 ही आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फाइंड द डिफरेंस प्लेस वैल्यू ऑफ 9, इसमें क्या है 9, 2, 9, 6 ये नंबर है, इसमें 2 9 हैं, इन दोनों 9 की अलग अलग प्लेस वैल्यू होंगी और हमें उनका डिफरेंस निकालना है। तो दी इस 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 9, इसके बाद में 1 डिजिट है तो 10 होगी, और इसकी क्या होगी 9, 1, 2, 3 तो 30 होगी। अब इनका डिफरेंस क्या होगा, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को हम माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा, ये बड़ी वैल्यू थी इसमें से 90 हम माइनस करेंगे, 0 या हो गए 10 में से 9, 1, 9 और 8, ये क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, एक्सपेंडेड नोटेशन, एक्सपेंडेड फॉर्म या एक्सपेंडेड नोटेशन, ये देखिए कैसे करते हैं, 1, 8, 7, 9 है, तो इसको क्या करेंगे, पहले 1 के बाद 1, 2, 3 तो 30 हो जाएंगे, प्लस 8 के आगे 2 डिजिट हैं तो 20 यहाँ आ जाएंगी, 7 इसके बाद 1 डिजिट है 10 आएगी, और फिर 9, इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2, 4, 1, 6, तो 2 के बाद 3 डिजिट हैं तो 30 आ जाएंगी, प्लस 4 के बाद 2 डिजिट हैं इसलिए 20 आएंगी, 1 के बाद में 1 डिजिट है और प्लस 6, इस तरह से हम लिख देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, नंबर लिखना है इसमें। शॉर्ट फॉर्म दी हुई है 3000 प्लस 500 प्लस 80 प्लस 4। अब इसको शॉर्ट में करेंगे तो क्या होगा, 3584 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए इसमें, ऐसे ये 5000 प्लस 500 प्लस 70 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5571। ये 7000 प्लस 100 प्लस 90 प्लस 3, तो ये जाएगा 7193। इस तरह से आप इन सम्स को कर सकते हैं और आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। थैंक यू।